विधानसभा 2023 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा फैक्टर क्या रहेगा? ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, हर कोई इसी इंतज़ार में है बीजेपी में कि भाई क्या होने वाला है इन ए वे, वसुंधरा राजे फैक्टर का क्या होगा, क्योंकि टेम्परली वसुंधरा राजे को साइड लाइन किए जाने के बावजूद उनका रुतबा, वसुंधरा राजे की पॉपुलरिटी, उनकी क्राउड पुलिंग कैपेसिटी, उनका पब्लिक रेस्पॉन्स कम नहीं हो पा रहा है। वो जहाँ भी जाते हैं क्राउड आती है। अभी एक फंक्शन था, नीचे बैठ गई जा करके, मंच पे नहीं गई। खन्ना साहब सीनियर आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो भाई, बुलाओ बुलाओ। सतीश पूनिया गए, ऊपर ला के बैठाया, लोगों ने कहा कम बैक वसुंधरा राजे इन ए वे। तो वसुंधरा राजे को आप इग्नोर, मतलब कहना चाहिए साइड लाइन तो कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते आप वसुंधरा राजे फैक्टर को। तो कोई इनको सम्मानजनक हल 2023 के दिसंबर से पहले ढूंढना पड़ेगा, ये तो एक तय है। अब ढूंढने के दो समाधान हैं, आप उन्हें केंद्र में उससे पहले यूनियन कैबिनेट में ले लें इन ए वे, और आगे भी ऐसा रहे कि सरकार दिल्ली में बनाएंगे, आपका कार्यस्थल जो है, आपकी कार्यभूमि जो है, अब आपकी कार्यस्थली वो जयपुर नहीं है, वो दिल्ली हो गई है। एक तो ये है, दूसरा है कि खुद उनके हिसाब से कलेक्टिव लीडरशिप बन जाए। आप भले गजेंद्र सिंह को बनाएं, लेकिन ये कह दें कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये 50 टिकट वसुंधरा ही देंगी, मान सम्मान एक जो होता है व्यक्ति का वो मिले यूनियन कैबिनेट के साथ। अकेले ये रोल नहीं कि भाई 50 टिकट आपने दिलवा दिए तो संतुष्ट हो जाएंगी, दैट वे। तीसरी संभावना लोग बताते हैं, जिसे मैं नहीं मानता, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का रुतबा कुछ कम हो जाए 2023 में, और वसुंधरा का नैतिक साहस जाग जाए और वो एक क्षेत्रीय पार्टी बना लें, फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, जो है वो संभावना कम है, लेकिन वो रूल्ड आउट टोटली नहीं है। 5% तो रखी है हमेशा उस संभावना को, आप मान के, दैट वे। वैसे अनुशासित हैं, वो विजयराय सिंधिया की बेटी जिन्होंने भाजपा को खड़ा किया था, दैट वे जो है। तो वसुंधरा राजे फैक्टर है, फैक्टर रहेगा। द ओनली क्यूरियोसिटी इज हाउ हाई कमांड हैंडल्स दिस फैक्टर। जगह मिल जाएगी, लेकिन वो वसुंधरा फैक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो एक एडिशनल चीज़ है।